प्यारे बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, जिसमें खंड 2 समकालीन भारत का भूगोल, या यूं कहे कि भूगोल सामाजिक विज्ञान चैप्टर से भूगोल चैप्टर है जनसंख्या। जनसंख्या भारत की पहली जनसंख्या जो थी, जो जनगणना थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल से प्रारंभ हुई थी। उसके पश्चात भारत की सुनियोजित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से प्रारंभ हुई है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ है। भारत में प्रति 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। भारत में जनगणना में ही सब क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर मृत्यु दर क्या है, लिंगानुपात क्या है, जन्म दर क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है। ये सब चीज़ें जनगणना के माध्यम से ही प्रारंभ हो जाती है या जनगणना से ही प्राप्त होती है। तो भारत में अगर इस हिसाब से देखा जाए कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, साधारण सी बात है, भारत में जनसंख्या का बढ़ना मृत्यु दर में कमी होना है, शिशु मृत्यु दर में कमी होना है। शिशु मृत्यु दर क्या है? एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चों की जो संख्या होती है वही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। भारत में शिशु मृत्यु दर अच्छे स्वास्थ्य के कारण कम हो गई है, जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या जो भी इसका लिंगानुपात है वह जनगणना के ही माध्यम से मालूम होता है। वर्तमान में भारत का लिंगानुपात भी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जिसे लिंगानुपात कहते हैं। तो जनसंख्या जो भारत की बढ़ रही है, इसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी हैं, थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। तो भारत में सबसे पहली बात देखा जाए तो जो हमारे पुराणों में कहा गया है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उस आधार पर लोगों का चलना, वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक अगर देखा जाए तो समय में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले बाल विवाह हुआ करता था। ऐसा क्यों? कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि कम उम्र की लड़कियों का विवाह कर देना वो ज़्यादा फलदायी होता है। 8 वर्ष की कन्या गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, उसके बाद वह कन्या कहलाती थी। यानी 10 वर्ष के पश्चात जो भी पिता अपनी कन्या का विवाह नहीं करता था वह प्रतिमाह उसका रुधिर पीने का दोषी होता था। तो बाल विवाह तो वैदिक काल से चले आ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। कम उम्र में यदि लड़कियों का विवाह कर दिया जाएगा तो वह कम उम्र से ही उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ये तो
वैदिक काल में प्रथा थी, लेकिन आज बाल विवाह बंद हो गए हैं। इसके पीछे और भी कारण रहे हैं, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, ये सब जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण रहे हैं। तो भारत में, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल में है। केरल में 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो केरल टॉप मोस्ट पर है। केरल में वर्तमान में जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा केरल की ही है। वर्तमान में 94% केरल की साक्षरता दर है, जबकि भारत में इतनी ज़्यादा साक्षरता दर किसी प्रदेश की नहीं है। भारत में लिंगानुपात देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है। यहाँ एक विद्वान ने तो यहाँ ऐसा भी कह दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ भिखारी भी विवाह करते हैं। ऐसे लोग जब विवाह कर लेंगे तो स्वाभाविक से है जनसंख्या का बढ़ना निश्चित है। जनसंख्या बढ़ती कैसे है? तो जनसंख्या हमारे यहाँ ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। ज्यामितीय क्रम क्या है? जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 यानी इस रेशियो में बढ़ती है। अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो E=mc², यानी ये जनसंख्या इस रेशियो में बढ़ती है। लेकिन हमारे यहाँ का उत्पादन जो बढ़ता है वह इससे हट करके है। उत्पादन जो हमारा बढ़ता है एक गणितीय क्रम में बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन जो जनसंख्या हमारी बढ़ती है वह ज्यामितीय क्रम, जैसा हमने बताया 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस रेशियो में बढ़ती है। तो प्रोडक्शन तो हमारा कम होता है लेकिन जनसंख्या बढ़ जाती है। इस हिसाब से देखा जाए भारत में जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ जाना, जो कि एशिया में हम दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर चाइना आता है, तो भारत की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो एक समय ऐसे आएगा कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। एक विद्वान ने तो ऐसा भी कह दिया है कि भारत में जितनी जनसंख्या एक वर्ष में बढ़ती है ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या ही उतनी है। 25 वर्ष में किसी भी देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी कुल जनसंख्या है भारत में एक वर्ष में उतनी जनसंख्या हो जाती है। तो जनसंख्या के चैप्टर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जनसंख्या बढ़ने का जो मुख्य कारण है शिशु मृत्यु दर में कमी है। यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है अधिकतम वह भी 64.5% है, जो जीवन प्रत्याशा है। तो आज आपको हम इस जनसंख्या के सिद्धांत में
या जनसंख्या के चैप्टर में इतना बता रहे हैं, अगले टर्न पर मैं इसको और आगे, इससे आगे बताऊंगा आपको। इसको आप देखते रहिए, इसमें की जो मुख्य बातें हैं प्लस जो प्रश्न बनते हैं उसको मैं अगले टर्न पर आपको बता दूंगा। धन्यवाद।